नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। अपने चैनल में स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का। मैं अजय सिंघानिया। आज दिसंबर के महीने में किस तरीके से अपनी शिमला मिर्च की जो नर्सरी हमने जो तैयार करी है, मैं आज आपको बारीकी से दिखाऊंगा कि शिमला की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। मैंने अपनी जमीन में जो तैयार करी है, मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरी नर्सरी जो शिमला की है वो किस तरीके से हमने रोपण करी थी और मेरी नर्सरी जो है तैयार हो चुकी है। और मैं अभी इस टाइम पे अपनी शिमला की नर्सरी है उसमें पानी जो फुब्बारा होता है उसके जरिए से मैं डालने, ये देखिए इस तरीके का एक जो टंकी होती है इसको फुब्बारा बोलते हैं, इसको इस तरह से पानी डालते हैं। ये देखिए, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर दिसंबर महीने में इस तरह से शिमला की नर्सरी अगर तैयार करना है तो किन किन बातों का ध्यान देना है मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों। तो मैंने ये दिसंबर महीने में देखिए शिमला का भी है और मैंने टमाटर का भी पौधरोपण किया है। तो मैंने किस तरीके से आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि तुसार का भी और सर्दी का ध्यान देना है। तो मैं अपने सभी युवा किसान भाइयों को बारीकी से बारीकी दिखाऊंगा। और ये हमारी देखिए ये नर्सरी जो है, ये शिमला मिर्च है उसकी नर्सरी ये तैयार हो चुकी है। आपको बारीकी से पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारी 1, 2, 3 बेड तैयार इधर हो गए हैं और करीब करीब ये हमारा 3 फीट का जो बेड है वो मैंने बनाया था। इस पे देखिए 1 इंच के दूरी पे मैंने अपनी शिमला का रोपण किया है। तो हमारी ये दिसंबर का महीना लास्ट चल रहा है और ये जनवरी में हमारी शिमला रोपण के लिए तैयार हो जाएगी। तो करीब करीब 40 से 45 दिन के अंदर में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। और हमारे अगर नए और पुराने किसान भाई लोग हैं, अगर वो नर्सरी को तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करेंगे, हमने इस पे क्या क्या डाला है, किन किन बातों का ध्यान देना है। तो जमाने से पहले मैंने इस पे जो प्यार की पनाली होती है, पनाली पे ढका, ढकने के बाद मैंने एक जूट का बोरा जो आता है कट्टा जिसको बोलते हैं उस पे वो ढका। ढकने के बाद में फिर पिन्नी डाला। पिन्नी डालने के बाद जब ये जम के तैयार हो गया तो इस तरह से ये देखिए हमारी लोहे का जो तार होता है मैंने ये लगाया है और ये पन्नी पड़ा हुआ है। पन्नी प्लीज दिखाएं इधर से घुमा के। तो अगर तुसार ना लगे इस तरीके से हमारे सब किसान भाइयों को बताऊंगा कि ये देखिए इस तरह से हम इस पे पन्नी ढक देते हैं जो कि हमारी तुसार जो होता है इससे हमारी पौध को नष्ट ना कर दे। इस पे थोड़ा टेम्परेचर भी मिलता रहता है और ये हमारा जो पौध नर्सरी है वो तैयार बनी रहे। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि इधर बेटा इधर दिखा दे। ये देखिए हमारी पूरी पौध तैयार खड़ी हुई है। तो हमारा ये 5-7 बीघा के लिए करीब करीब हमने 30 से 40 पैकेट जो होते हैं वो हमने करीब करीब 200 ग्राम अपना जो बीज होता है मैंने उसको रोपण कर दिया है। और हमारा आगे पन्नी से ढका हुआ है, उसमें हमने टमाटर है और ये शिमला है और पत्ता गोभी जिसको कैबिज इंग्लिश में बोलते हैं, बंद गोभी, उसका भी मैंने नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। तो अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर अच्छी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहते तो अपना चैनल दाउरैया फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।